वेलकम टू रुचिस रेसिपीज। आज हम आपके लिए लाए हैं मीठी पकौड़ी या गुलगुले बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें सौंफ हम यूज़ करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। मीठी पकौड़ी या गुलगुले बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है, यानी एक कप, और ये एक पीस गुड़ है, और ये एक चम्मच मोटी सौंफ है। इस गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में करके थोड़े से पानी के साथ हम बॉईल कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे, जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। और ये हमारा गुड़ का पानी है, इसे हम एक स्ट्रेनर लगाकर इस गुड़ के पानी को छान लेते हैं, जिससे गुड़ की जो भी गंदगी होगी वो हट जाएगी। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं, इसमें गेहूं के आटे को शिफ्ट कर देंगे और गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे और विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। आप ये काम एक स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और एक इसका गाढ़ा सा डो तैयार कर लेंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया है और इसे आधे घंटे के लिए हम फूलने के लिए इसे कवर करके रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं तो हम कवर को हटाते हैं और इसे फेंट लेंगे। अब ये काफ़ी थिक है तो इसमें वही गुड़ का पानी डाल देंगे। और इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से फेंटेंगे। अभी भी ठीक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं उसी की तरह हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, इसे हम फेंटेंगे। इसमें एक चम्मच सौंफ का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी पर ये मटेरियल आना चाहिए। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ सरसों का तेल गरम कर लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे हम पकौड़ियाँ डाल लेते हैं। यहाँ हम गैस की फ्लेम मीडियम पर कर देते हैं, मीडियम टू लो। और पकौड़ियाँ इस पर डालते जाएंगे। यहाँ हमने पकौड़ियाँ या गुलगुले पलट लिए हैं और गैस की फ्लेम लो कर दी है, जिससे कि अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। और इन्हें 1 से 2 मिनट सिकने देते हैं। ये अच्छी तरह सीख चुके हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हमें दूसरा बैच भी बनाना है,
गैस की फ्लेम लो करके गुलगुले डालते जाएंगे। इन गुलगुलों को भी हम धीरे धीरे पलट देंगे जिससे ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सिक जाए। ये गुलगुले फ्राई हो चुके हैं तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको हमारी गुलगुले की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।